साथ को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप मैं भी अपने मन की बता दूँ। जिस तरह से संसारी व्यक्तियों की इच्छाएं चलती रहती हैं, कुछ मेरी भी एक इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। मेरी भी इच्छा, फर्क इतना है कि संसारियों की इच्छा जो होती है सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए चलती है या कुछ भोग करने के लिए चलती है। मेरी ऐसी कुछ नहीं है, मेरी इच्छा कुछ ज्ञान प्राप्त के विषय में चलती रहती है, और एक ऐसा ज्ञान जो मैं नहीं जानता हूँ, वो प्रैक्टिकल से ही प्राप्त हो सकता है। मेरे मन में आया, मैं थोड़ा पिछला जाऊँ, पिछले और जाऊँ महाभारत काल में, तो एक दृष्टांत मिलता है। अभिमन्यु ने जब वो गर्भ में थे, उन्होंने चक्रव्यूह की रचना के विषय में सुना था, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और जो कुछ उन्होंने उस समय सुना था 16 साल की अवस्था में, महाभारत के जो किताब मिलती है गीता प्रेस गोरखपुर से, उसके अनुसार वही मैंने पढ़ी या अन्य तरह से जानी, तो वो ज्ञान उन्हें इस भौतिक संसार में, यानी जब उन्होंने जन्म लिया बाद में, बना रहा और वैसा ही जीवन जिया। यानी अब उस विषय पे नहीं जाते, जीवन जिया और जहाँ से आए थे वापस चले गए। हमारा सिर्फ यहाँ पे कहना कि जब जीव गर्भ में होता है क्या तब भी ऐसा होता है, तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा लेख पढ़ने के लिए मिलता है, ऐसा उल्लेख किया गया है। ऐसा ही इसी विषय में थोड़ा मेरा शोध करने का इच्छा कर रहा है। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया अभिमन्यु को, उसके समकक्ष नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण मेरी इच्छा। तो अच्छा, तो मेरी बहुत पहले थी कि गर्भ में शिशु को और ज्ञान दिया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। मैंने दूसरे तरह के प्रयोग किए हैं, लेकिन ज्ञान दे करके नहीं, वैसे उनकी जानकारी लेकर के, जिन्होंने जन्म नहीं लिया उसके विषय में होता है ज्ञान। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर माँ अच्छी साधिका है, कम से कम जिसका ब्रह्म रंध्र खुला है, जिस माँ का, हाँ, जब वो माँ बनने वाली होगी, यानी जो जीवात्मा हो उसके गर्भ से जन्म लेने वाली होगी, बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती है। माँ से इजाज़त लेती है जीवात्मा कि हे माँ, मैं आपके गर्भ से यानी उत्पन्न क्या मैं हो सकता, पैदा हो सकता, क्या आप मेरी माँ बन सकती हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। तो वो माँ आज्ञा देती तभी गर्भ में प्रवेश करती, वरना जीवात्मा प्रवेश ही नहीं कर सकती है। यही एक प्रकृति का नियम है, लेकिन वर्तमान में माताएं नहीं जान पाती, क्योंकि वो अपने शुभ शरीर उनका विकसित नहीं होता है, इतने अंतर्मुखी नहीं होते हैं कि वो सूक्ष्म जगत के विषय में वो समझ सकें। ठीक है, वैसे मैं एक मेरी गुरु बहन है, अब नहीं है, वो बड़ी अच्छी थी, अवस्था उसकी उच्च थी, उसने ऐसा किया था। मेरा ज्ञान पहले का है ये, लेकिन जब मैंने उससे पूछा 92 में, मैं मैरिज में था, हमने कहा अब नाम नहीं लेना चाहता, उससे जब पूछा कि क्या आपने ऐसा किया जो मैंने कहा, तो मेरा मुंह देख कर रह गए, भैया आनंद भैया, आपको इस विषय में कैसे ज्ञान है। तो मैं हंसा, मैंने कहा हाँ, मैंने इस विषय में काफ़ी ज्ञान किया है, लेकिन ये आप ही बता सकती हैं जो मैंने शोध किया या ज्ञान प्राप्त किया है, क्या ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा हाँ, हालांकि उसने और भी आगे बढ़ के बताया कि एक ऐसी जीवात्मा आई जिसको मैंने जन्म देने से इनकार कर दिया, कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने इनकार कर दिया। तब जब जब दूसरी आत्मा आई, उसके विषय में उसने जान लिया, फिर उसने आज्ञा दी, ये सत्य है। और तो ऐसा होता है, अन्य तरह का प्रयोग किया। हाँ, Thank you.
Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.